गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। सो आज हम SA1 का रिवीजन लिखने का है। आप लोगों जो क्लासेस में हम लोग बोले थे कि हॉलीडेज़ का होमवर्क है, जो बिट्स टिक कर रहे थे वो बिट्स मत लिखिए, उसकी प्लेस पे आप लोग होमवर्क में SA1 का रिवीजन लिखिए। ओके, सो SA1 के रिवीजन में आप लोगों की क्लास वर्क की नोट्स में लिखना है रिवीजन। सो क्लास वर्क की नोट, मैथ्स की नोट्स निकालिए, निकाल कर उसमें लास्ट से जो आप लोग पेज फोल्ड कीजिए, पेज फोल्ड करके रिवीजन लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके, फर्स्ट बिट टिक द करेक्ट आंसर ऑप्शन। सो इसमें एक क्वेश्चन देते हैं, उसके लिए फोर ऑप्शंस रहते हैं, वो फोर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप लोगों को टिक करना है। फर्स्ट वन 300s, 8 10s and 6 1s। सो इससे कौन सा नंबर फॉर्म होता है 300, 8 10s and 6 1s से? 386। सो वो नंबर कहाँ पे है? 386, 368, 386, यहाँ पे वो नंबर। सो ये नंबर को क्या करना है? टिक करना है। नेक्स्ट, द इवन नंबर इन 3147, 863, 3468, 9835 इज, इसमें इवन नंबर कौन सा है? ये है इवन नंबर 3468। नेक्स्ट 342 + 0, 342 में 0 को प्लस करें तो क्या होता? 342 होता, 0 होता, 341 होता या 343 होता। तो 0, ये नंबर में 0 को प्लस करें तो वही नंबर आता, तो 342। नेक्स्ट, द शेप दैट हैज़ नो कॉर्नर्स और वर्टिसेस। कॉर्नर्स भी नहीं रहते और वर्टिसेस भी नहीं रहते, कौन से शेप में रहते वो? सर्किल, ए सर्किल। 267 - 267 में से 267 को माइनस करें तो क्या आता आंसर? 0 आता या 261 आता, 67 आता या 1 आता या 266 आता। सो सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करें तो ऑब्वियसली 0 आता, तो 0 के ऊपर करेक्ट, ए के ऊपर आंसर 0 है। इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम द डिजिट एक्स कैन बी रिपीटेड अप टू, एक्स जो रोमन नंबर है वो कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं? 2 times, 3 times, 4 times or 5 times? सो 3 times। द नंबर नेम फॉर दिस नंबर 4800, ये 4800 के लिए क्या करना है? इसका नंबर नेम हमको फोर ऑप्शंस में है, कौन सा करेक्ट है वो लिखना है। 4800, 8400, 4400, 8800, तो कौन सा है? 4800, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, 524 + 312 = - 524। सो ये डैश में कौन सा नंबर आना है यहाँ पे? 524, 524। सो यहाँ पे मिसिंग 312, सो 312 इज करेक्ट। नेक्स्ट बी बिट फिल इन द ब्लैंक्स 140 + 249 = - - 140। सो 249। नेक्स्ट, डैश प्लस 2501 = 2501। सो कौन से नंबर में 2501 को प्लस करो तो फिर वही नंबर आता? 0। नेक्स्ट, 5242 + 0 को करो तो कितना होता? 5242। नेक्स्ट, डैश प्लस 426 = 426, कौन से नंबर में 426 को प्लस करो तो फिर वही नंबर आता है? 0। नेक्स्ट, 5242 + - 5242, तो यहाँ पे 0। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड ड्रॉ द नेक्स्ट नंबर ऑफ पैटर्न्स, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है पैटर्न को, नेक्स्ट नंबर पैटर्न, एक नंबर पैटर्न लिखना है। सो फर्स्ट 1 circle, इसमें 2 circles, इसमें 3 circles है, तो फिर 1 circle, 2 circle, तो नेक्स्ट वन में क्या आता? 3 circles है, तो 4, 1, 2 and 3, ये 3 circles का। नेक्स्ट, यहाँ पे एरो मार्क्स है, अप राइट साइड, डाउन एंड लेफ्ट साइड, तो फिर कौन सा आता? अप, यानी फर्स्ट वन जो है वो आता। नेक्स्ट, ट्राइंगल, ट्राइंगल से तो नेक्स्ट शेप कैसा आता उसका ऑब्जर्व करना है एंड ड्रॉ करना है।
नेक्स्ट यहाँ पे है रेक्टेंगल्स, ये ड्रॉ करना है. नेक्स्ट बिट फिल इन द ब्लैंक्स. 3912 में से 3912 को माइनस करें तो ज़ीरो. नेक्स्ट 2468 में से ज़ीरो को माइनस करें तो कितना होता 2468. 5440 में से विच नंबर को माइनस करें तो 5440 आता ज़ीरो. 6192 माइनस ज़ीरो मीन्स 6192. नेक्स्ट 142 माइनस डैश इज इक्वल टू 142 ज़ीरो. सो ये आप लोगों का S7 का रिवीजन है. आप लोगों के क्लास वर्क के नोटबुक में पेज फोल्ड करके रिवीजन बोल के लिखना है, लिख के ये हॉलीडेज में ये वर्क करना है आप लोग. ओके, थैंक यू.